चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग होता क्या है? ये थर्ड आपका मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो ग्राफ्टिंग में होता क्या है? ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कट करते हैं स्टेम्स को दो डिफरेंट प्लांट्स की, दो डिफरेंट प्लांट्स की स्टेम को कट किया। एक तो वो होगी स्टेम जिसमें रूट होगी, एक वो होगी स्टेम जिसमें रूट नहीं होगी, और उन्हें ज्वाइन कर दिया जाएगा कुछ इस तरीके से कि वे जो है एक सिंगल पॉइंट की तरह ग्रो हो, मतलब एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो हो। वो स्टेम जो कि रूट्स रखती है उसे तो हम बोलते हैं स्टॉक। अभी तो बताया एक स्टेम तो हमें कट वो करनी है जिसमें रूट्स भी हो, और दूसरी स्टेम हमें वो लेनी है जिसमें रूट्स ना हो। कुल मिलाकर बात यह है कि आपका एक पेड़ है, आप इसमें देख पा रहे हो, मैंने जो है क्या लगाया, ध्यान से सुना, स्लैंटिंग कट लगाया। गन्ने देखे होंगे आपने, नहीं भी देखे होंगे, सुना होगा, ऐसा सुना भी नहीं क्या होगा, चलो स्लैंटिंग कट लगाते हैं हमने। जब उन्हें हम काटते हैं, बोते हैं उन्हें, तो हम स्लैंटिंग कट लगाते हैं, तिरछा, तिरछा कट, ठीक है। अब वो क्यों लगाते हैं, उनका भी, उसका भी रीजन मैं आगे दूंगा आपको, फिलहाल इतना ध्यान से सुनो। स्लैंटिंग कट लगाया, ठीक है, बाकी का ऐसा लग रख दिया उस पेड़ का, उसमें क्या रह गई, थोड़ी सी स्टेम रह गई जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और रूट, रूट तो है ही जमीन में। अब मैंने जो है एक दूसरी स्टेम में से स्लैंटिंग कट लगाकर किसी दूसरे टाइप के पेड़ की स्टेम में से मैंने स्टेम काट ली वहां से स्लैंटिंग कट लगाकर, लेकिन उसमें रूट्स नहीं है। अब कुछ इस तरीके से कि इन दोनों को मैं जो है आराम से जोड़ सकूं और ये आपका सिंगल प्लांट की तरह फिर ग्रो हो। आपने देखा होगा नई नई प्रकार के जो आपका सेब आ रहे हैं, ये अलग ही टाइप का सेब है, ये अलग ही प्रकार के मैंगन है, वो कैसे होते हैं, नई नई प्लांट की नई नई वैरायटीज आती कैसे हैं, वो इसी टेक्निक से आती है, नई नई वैरायटीज की, यदि मैं इन दो वैरायटीज को मिला दूं तो एक नई वैरायटी मुझे मिल जाएगी, एटसेट्रा। दूसरी कट स्टेम, देखो जो रूट्स रखेगी स्टेम वो स्टोक, जो नहीं रखेगी वो स्किन। अब जब हम ज्वाइन करते हैं स्किन को स्टोक से, तो केयर शुड बी टेकन टू मेक श्योर दैट कि जो कैम्बियम लेयर है स्किन की वो कांटेक्ट में हो कैम्बियम लेयर के साथ स्टोक की। यही मैं बताना चाह रहा था कि कुछ इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे स्किन को और स्टोक को, स्किन मतलब स्टेम विदाउट रूट्स और स्टोक मतलब स्टेम विद रूट्स। इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जो उन दोनों की कैम्बियम लेयर है वो आपकी कॉन्टेक्ट में हो। अभी कैम्बियम लेयर क्या होती है वो देखते हैं, क्योंकि कैम्बियम लेयर ही वो लेयर होती है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है इन दोनों की ग्रोथ के लिए। ये दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह ग्रो करेंगे, मतलब एक सिंगल प्लांट में, वो कैम्बियम लेयर की वजह से ही करेंगे। तो कैम्बियम लेयर ही ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है इनकी। तो पूछा जा सकता है व्हाट डू मीन बाय कैम्बियम लेयर एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन है ग्रोथ कराना सिंगल प्लांट के तौर पर, किन्हीं दो प्लांट्स के, किन्हीं दो प्लांट्स को कंबाइन कर। अच्छा जोड़ेंगे कैसे, कोई सीत वगैरह ले लेंगे जिससे हम जो है उसे बांध देंगे, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम जो है उन्हें जोड़ सकते हैं। ओके, एडवांटेज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की आपको पता है, न्यू प्लांट्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, वे पेरेंट प्लांट के जैसे ही होते हैं। कोई भी डिजायरेबल फीचर्स जो आपका प्लांट, पेरेंट प्लांट का, वो रिप्लीकेट किया जा सकता है न्यू प्लांट्स में, मतलब कि दो वेराइटी के प्लांट एक सिंगल प्लांट बना सकते हैं जिसमें दोनों वैरायटीज के हों, या कोई नई वैरायटी। देखो दो केसेस हो सकते हैं, या तो एक नई वैरायटी आ जाए उन दोनों को कंबाइन कर, या उस प्लांट पर दोनों वैरायटी की चीजें हों। हम जो है सीडलेस प्लांट भी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से उगा सकते हैं, यानी कि जिनमें बीज ना हो। बहुत सारे प्लांट जो आपके ग्रो होते हैं केवल एक ही पेरेंट प्लांट से आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के द्वारा, पढ़ा था हमने कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये तीन तीन चीजें पढ़ी। तो बहुत सारे इसकी एडवांटेजेस हैं, यानी कि फायदे। अब टिश्यू कल्चर जल्दी से देख लेते हैं, न्यू प्लांट्स का बनना किससे, एक टिश्यू से। आपने पढ़ा होगा सेल से मिलकर बनती है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हम, हमारे अंदर 9 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ओके, तो हमने केवल प्लांट का एक टिश्यू लिया, ठीक है, और टिश्यू भी ग्रोइंग टिप से लिया, यानी कि ऐसा पार्ट प्लांट का जो कि ग्रो कर रहा था वहां से हमने टिश्यू लिया, यानी कि बंडल ऑफ सेल। और क्या किया, उससे हमने बहुत सारे प्लांट्स उगाए एक टिश्यू से, छोटे से टिश्यू से। कैसे देखते हैं,
The growth medium used for growing plant tissues is very important in this process because it contains various plant nutrients in the form of jelly, called agar and plant hormones which are necessary for plant growth. Okay, तो क्या होता है, हमने जो टिश्यू लिया वहां से ग्रोइंग टिप से, उसे हमें एक सॉल्यूशन में रखना होता है. उस सॉल्यूशन में हमने हॉर्मोन्स पढ़े थे ना, प्लांट हॉर्मोन्स चार होते हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो उनके लिए थे, वे उसमें हमने पहले से ही डिसॉल्व कर रखे हैं. किसकी फॉर्म में? जेली की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं अगर. अब देखते हैं कैसे कैसे ये होता है. तो सबसे पहले स्मॉल पीस लिया हमने प्लांट टिश्यू का, और उसे जो है हमने रख दिया उस सॉल्यूशन के अंदर. अब जो हॉर्मोन्स है वे सेल्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और जब वे सेल्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे तो डिवाइड होकर एक सेल दो सेल में कन्वर्ट, दो सेल चार में चार, आठ में आठ, सोलह में सोलह, बत्तीस में, ऐसे ही डिवाइड होकर एक सेपलेस लंप ऑफ मास बनकर आ जाएगा, मतलब कि एक ढेर सा बनकर आ जाएगा. आप उसमें न स्टेम को पहचान सकते हो, ना उसमें रूट को पहचान सकते हो, ना उसमें लीव्स, लीव्स की तो बात ही मत करना क्योंकि पहले तो रूट्स ही आती हैं. बस एक ढेर सा बन जाएगा. किन से मिलकर बना है वो ढेर? सेल्स से ही तो मिलकर बना है. इसे हम बोलेंगे कैलस, CALLUS. तो कैलस क्या होता है? सेपलेस, यानी कि जिसकी कोई शेप नहीं है, डिफाइंड शेप. लंप ऑफ मास यानी कि ढेर मास का, उसे हम बोलते हैं कैलस. फिर ये कैलस जो है ट्रांसफर किया जाता है दूसरे जेली कंटेनिंग सुटेबल प्लांट हॉर्मोन्स जिसमें है, वो स्टिमुलेट कर देता है कैलस को डेवलप रूट्स में. अब क्या करना है, हमें सॉल्यूशन को बदलते जाना है. अब मैंने दूसरे सॉल्यूशन में डाला, इसे निकाल कर इसे प्लस लंप ऑफ मास को, और वहां पर क्या हुई, वहां पर रूट्स डेवलप हुई. फिर इसे दूसरे तीसरे में डाला, तीसरे सॉल्यूशन में, वहां पर क्या होगा, वहां पर सूट्स डेवलप हो जाएगी, SH2O2TS. मैंने पहले बताया था सूट्स और स्टेम बात एक ही है, सूट्स और स्टेम बात एक ही है. अब उसके बाद जब रूट्स आ जाएंगी सूट्स आ जाएंगी, तो फिर आगे हम क्या करेंगे. द कैलस हैविंग रूट्स एंड सूट्स सेपरेट्स इनटू टीनी प्लांटिलेट्स. फिर ये जो है छोटे छोटे प्लांट्स में टूटने लगेगा. इस तरीके से बहुत सारे टीनी प्लांटिलेट्स जो है आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे बस केवल एक टिश्यू से. और फिर ये प्लांटिलेट्स क्या करेंगे, हम सॉइल में लगा देंगे, मिट्टी में, जहां पर ये प्लांट में ग्रो कर जाएंगे. तो इसे हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन? माइक्रो प्रोपोगेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक छोटे से टिश्यू से हमने हजारों जो है प्लांटिलेट्स प्राप्त कर लिए. एडवांटेज फायदे कैंडिसी कल्चर के, एक तो डिसीज फ्री होता है, एक किसी भी मौसम में उगा सकते हो, एक आप जो है बहुत ही लिटिल स्पेस ये आपका घेरेगा, और चौथी बहुत ही फास्ट मेथड है, कुछ हफ्तों में ही जो है हजारों प्लांटिलेट्स आ जाते हैं. क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपीज जो है क्रिएट करते हैं खुद की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके हमने मेथड्स पढ़े अभी, ये क्या वे अपनी एग्जैक्ट कॉपी को जो है आपका रिप्रोड्यूस करती है? मतलब कि जो उनका यंग वंस आता है क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट उनके जैसा होता है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर तो ऐसा होता नहीं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. नहीं, जी हाँ नहीं, वे सिमिलर तो हो सकते हैं आपस में, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि कोई भी रिएक्शन 100% कोई भी रिएक्शन, इसे दिमाग में फंसा लो, कोई भी रिएक्शन 100% सही नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है. इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी रिएक्शन 100% नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ उसमें बाहर से आ ही जाता है. इसीलिए एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन हम जनरली कहते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी बनती है. क्यों? क्योंकि 99.9% तक भी सेम होते हैं सॉरी लेकिन 0.1% फिर भी उसमें डिफरेंस आ जाता है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. पढ़ाई करते रहिए. धन्यवाद.